If the compound interest on a certain sum at this rate for 3 years is rupees this, okay? Find the simple interest on the same sum at the same rate for the same period, ठीक है? तो इसमें compound interest दे रखा है, तो जो rate दे रखा है वो कितना है? Rate है 16, सही 2/3, तो ये हो गया 50/3% annually, ठीक है? तो ये rate दे रखा है, यहाँ time period दे रखा है ये, ठीक है? तो n equal to 3 years और compound interest दे रखा है 1270 रुपीस, ठीक है? तो इसमें पूछता है कि find the simple interest on the same sum at the same rate for the same period. तो इसमें भी r equal to यही है 50/3, इसमें भी n equal to 3 साल है, ठीक है? और इसमें same period of time है और same sum है, यानी यहाँ पे sum नहीं पता हमें, तो मान लिया p है, p equal to p और यहाँ भी p equal to p है, ठीक है? तो अब हमें कुछ करना होगा. तो यहाँ पे यहाँ क्या पूछा हमसे, सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी एन आर डिवाइड बाई 100, ठीक है? ये होता है. तो यहाँ पे एन और आर तो पता है हमें, लेकिन पी नहीं पता है, ठीक है? नहीं तो निकाल लेते सिंपल इंटरेस्ट. तो पी की वैल्यू हम यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे लाएंगे. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दे रखा है 1270, ठीक है? तो इस केस में क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 रेस्ट टू द पावर एन, ठीक है? और कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है? तो कुछ नहीं दिया होता तो कंपाउंडेड एनुअली मानेंगे, ठीक है? जो स्टैंडर्ड केस होता है. तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, a माइनस पी, a की वैल्यू ये है पी 1 + r/100 माइनस पी, ठीक है? और पी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये 1 + r/100 रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1, सॉरी ये पावर पूरे में, ठीक है? तो इसको सही से लिखता है यहाँ पे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, पी कॉमन लिया हमने, तो 1 + r/100 रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है? ये तो यहाँ से पी की वैल्यू उठा कर रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको. तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दे रखी है 1270, ठीक है? तो 1270 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? 1270 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी और यहाँ 1 + r की जगह 50/3 और यहाँ 100 ऑलरेडी है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो यहाँ 3 कर दिया, यहाँ माइनस 1, ठीक है? ये हो गया. तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी पी और यहाँ कितना हो गया 50 × 100, तो 1/6, तो 1 + 1/6 का क्यूब माइनस 1, ठीक है? तो ये आ गया और ये 1270 दे रखा है, ठीक है? तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो 1270 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी और ये हो जाएगा 7/6 का क्यूब, ठीक है? तो 7/6 का क्यूब देखेंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है? और 6 का क्यूब होता है 216 और यहाँ माइनस 1, तो ये हो गया. और फिर ये हो गया पी और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 343 माइनस 216, तो ये आता है 127/216, ठीक है? तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1270 × 216/127, ठीक है? तो ये 10 बार चला गया यहाँ से, ठीक है? तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई 2160, ठीक है? अब इस पी की वैल्यू हमें पुट करनी थी इसमें, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पी एन आर बाई 100, पी की वैल्यू आ गई 2160, एन की वैल्यू वही 3 साल और आर की वैल्यू 50/3/100, ठीक है? तो ये हो गया. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2160, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, 3 × 50/300,
तो 10 सॉस दिया जाता है, ठीक है। इसको काटना पिटना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। तो 10 सॉस दिया जाता, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है।